हेलो फ्रेंड्स, इंदौरी किरण किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपको पान की दो रेसिपी दिखाने वाली हूँ। एक तो हमारा जो ट्रेडिशनल पान जो दादी माँ हमारी घर के बड़े बुजुर्ग खाया करते थे उस तरह का पान है, और दूसरा पान को कतरन करके उसका मसाला ऐड करके जो पान मसाला हम बनाएंगे तो वो रेसिपी है। तो इस तरह से दो रेसिपी हमारी आज यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसके लिए जो इन्ग्रीडियंट है तो वो इन्ग्रीडियंट में देख लेते हैं। गुलकन लगने वाला है, केवड़ा वाटर लगेगा, रोज़ वाटर लगेगा, हनी या शहद लिया हुआ है, कत्था लिया है और चूना लिया है। इसके साथ में हमको मेन इंग्रेडिएंट वो पान लगने वाले हैं। इस तरह से कोटेड कलर सोप लगने वाली है। यहाँ पर टूटी फ्रूटी ली हुई है, मोटी वाली सोप ली है जिसे थोड़ा रोस्ट कर लिया है जिससे इसका स्वाद और उभर के आए। यहाँ पर मैंने चेरीज ली है, इस तरह की ये चेरी है और इसे मैंने पीसेस में इस तरह से कट कर लिया हो। और डेसिकेटेड कोकोनट या जिसे कद्दूकस किया हुआ नारियल का बुरादा भी कह सकते हैं वो लिया हुआ है। इसके अलावा जो लगने वाले हैं हमको, तो यहाँ पर लिया है मैंने आसमान तारा या ठंडा या जिसे मेंथोल भी कहते हैं, साथ में ज्येष्ठ मत पाउडर या मुलेठी पाउडर लिया हुआ है, थोड़ा सा अजवाइन लिया है मैंने, उसमें कुछ तिल के दाने हैं, और इस तरह से मैंने यहाँ पर मगज भी ली हुई है, इलायची के दाने निकाल लिए हैं और ये लौंग है साथ। तो इस तरह से हमको दोनों पान मसाले की रेसिपी देख लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो रोस्टेड सोप है इस सोप को मैं थोड़ा आधा लेने वाली हूँ मिक्सर पॉट में, जिससे इसका हमको पाउडर बना लेना है। तो पान मसाले में बहुत टेस्टी लगता है ये। तो ये आधा मैंने सोप ले लिया है यहाँ पर, और इसे साथ ही मैं यहाँ पर लौंग भी ले लूँगी, इलायची के दाने लेने वाली हूँ, आसमान तारा भी यहीं पर ऐड कर दूँगी, साथ ही मैं ज्येष्ठ मत पाउडर भी ऐड कर देने वाली हूँ। और इसे मुझे मोटा मोटा सा पाउडर कर लेना है, इस तरह से ज़्यादा बारीक नहीं किया है, मोटा दरदरा ही रखा हुआ है, वो मैं यहाँ पर निकाल लूँगी। फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले और मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी करें। बेल आइकन प्रेस करने के चैनल सब्सक्राइब करने का फ्री होता है, कोई चार्जेस नहीं होते हैं, तो आप ज़रूर करें। अभी हमको क्या करना है, ये पान दिए हुए मैंने, तो ये पान के जो स्टेम्स वाले भाग थे जिसे डंठल भी कहते हैं, तो वो मैंने कैंची से काट कर निकाल लिए हैं, और इस तरह से ये यहाँ पर 20 पान लिए हुए हैं मैंने। अब ये इस तरह से थोड़ा नीचे से काटे जिससे कि मुंह में चबाते समय आए नहीं, वैसे बहुत कोमल ही होते हैं लेकिन कर ले तो अच्छा रहता है। तो इस तरह से मैं ये पूरे पान लेने वाली हूँ, और इसे इस तरह से आप बारीक बारीक हमें काट लेना है, एकदम बारीक करना है। तो इस तरह से मैं इसे बारीक दो तरह के पान के लिए खाए जाते हैं, तो एक होता है कपूरी और एक होता है नागवेली का, तो मैंने यहाँ पर नागवेली का पान लिया हुआ है। मैं ये एक पान ले लूँगी जो मेरी दादी सास बनाकर खाया करती थी, और मैं बड़े उत्साह से उनके पास में बैठ के वो पान लगा के मांगा करती थी, तो ये पान ले लिया है। तो पहले मैं परंपरागत रूप से जो पान पुराने हमारे लोग होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे जो खाया करते थे, वो बताने वाली हूँ। तो ये जो चूना है ये गीला ही है, पान का ही चूना है, तो वो लगा लूँगी मैं यहाँ पर। पान में यहाँ पर कत्था ऐड कर देना है, ज़्यादा नहीं लगाते हैं कत्था, ये कत्था लगा दिया है मैंने। अभी मेरी जो दादी सास लिया करती थी, थोड़ा सौंफ लिया करती थी, उस पर अजवाइन के कुछ दाने हुआ करते थे, थोड़ा खोबरा किस हुआ करता था, और इलायची के दाने होते थे, और एक लौंग होती थी, और साथ में वो चिकन सुपारी नाम की सुपारी होती थी जो यूज़ किया करती थी। मैं सुपारी इसमें डाल नहीं रही हूँ, तो बस ये इस तरह का पान आपको बताया है मैंने यहाँ पर। तो ये उनका पान विड़ा, जब हम बोल मांगते थे उनको तो इस तरह से बढ़िया सा फोल्ड करके वो हमें दे दिया करती थी।
तो ये हमारा एक पान तैयार हो गया है। उसमें कुछ मीठा वगैरह नहीं डालते थे वो लोग, वो मीठा वगैरह आज हम डालने लगे हैं। तो इस तरह से ये इनका पान हो गया है। अभी हमको क्या करना है, मेरी ये पान की कतरन भी सारी तैयार हो चुकी है काट के। मुझे यहाँ पर सबसे पहले जो सौंफ का पाउडर लिया हुआ है हमने और बाकी चीज़ें ऐड की है उसको ऐड कर दूंगी मैं। अजवाइन लिया है उसको ऐड कर दिया है, मगज भी या तरबूज के पी लिए हैं वो ऐड कर दिए हैं, साथ ही ये जो रंगीन सौंफ है कोटेड वो भी ऐड कर दूंगी। मोटी वाली सौंफ ऐड कर देनी है। इसके प्रपोर्शन जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिए। टूटी फ्रूटी ऐड करनी है, चेरी ली है वो ऐड करनी है, साथ ही कद्दू के रस किया हुआ नारियल का बुरादा भी बोलेंगे इसको, वो ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पर। और मुझे यहाँ पर अभी गुलकंद ऐड कर देना है। आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप गुलकंद को ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वैसे गुलकंद कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ नहीं होती है, ठंडा ही देती है ये। तो ये गुलकंद का मसाला भी ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पर। अभी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा चूना ऐड कर देना है, उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें, और थोड़ा कत्था पाउडर ऐड कर दूंगी। ये कत्था पाउडर ऐड कर दिया है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। इसे हम एयर टाइट बॉटल में भर के 15 से 20 दिनों तक यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अभी मुझे यहाँ पर शहद ऐड करना है। ये मैंने यहाँ पर शहद ऐड कर दिया है, थोड़ा रोज वाटर लूंगी। थोड़ा केवड़ा वाटर है, बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड देखिए ये पान मसाला बनके रेडी हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड ये हमारा परंपरागत जो पान है उस तरह का ये पान है, और ये पान मसाला हमने यहाँ पर जो अभी तैयार किया है। तो इस तरह से ये दोनों रेसिपी हमारी बनके तैयार हो चुकी है और बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि बार बार खाने का मन करता है, और एक बार बना ले तो आप बार बार घर पर बनाकर स्टोर करके रखेंगे इसे। तो इस तरह से ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।